अपनी मांगों को लेकर मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय मजदूर चालक परिचालक संघ निकाली संभागीय स्तरीय सांकेतिक महारैली। आज जिले के लगभग 1000 चालक परिचालक और हेल्पर हुए रैली में शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए मां नर्मदा से लगाई गुहार, ज्ञापन का किया विसर्जन। भारतीय मजदूर चालक परिचालक संघ द्वारा लगातार प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो बुधवार को भारतीय मजदूर चालक परिचालक संघ द्वारा मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के निमरानी से खलखाट तक पैदल सांकेतिक महारैली निकालकर अपना विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए नर्मदा नदी में ज्ञापन छोड़ा गया। चालक परिचालक संघ के संभागीय अध्यक्ष मनोज कुमरावत ने बताया कि विगत 5 महीने से कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई विगत समस्याओं और परिस्थितियां बसों का संचालन नहीं होने के कारण अब चालक परिचालक और हेल्परों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कसरावत से संवाददाता प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। संभाग जिले के ऑटो जिले के चालक परिचालक लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांगे ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मोटर मालिकों की जो उनकी मांग थी टैक्स माफी की वो कर दी, लेकिन चालक परिचालकों की मांग पूरी नहीं की, इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांगे ये है कि पिछले विगत पाँच महीनों जो कोरोना महामारी कारण हमें वेतन नहीं दिया वो वेतन दिया जाए और शिवराज मामा द्वारा जो 2014 में घोषणा की थी वो उसको लागू की जाए। वो अगर गाड़ियाँ चालू होती और हम जाते हैं तो हमारे को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, नहीं तो हम गाड़ियों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे को अभी तक ना तो सरकार से ना कह रहे मोटर मालिकों से कोई आश्वासन मिला है। अच्छा, आप जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या रूपरेखा कार्यक्रम की? हमारी रूपरेखा ये है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम गाड़ियों पे नहीं जाएंगे, संचालन नहीं करेंगे, और आगामी आंदोलन ये है हमारा कि हम भोपाल जाएंगे और वहाँ पे ये 3 प्रमुख मांगे है सर। 6 महीने से हमारे ड्राइवर कंडक्टर घर बैठे बेरोजगार है बिल्कुल। आज उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, हमारा बिजली का बिल भरने की दिक्कत आ रही है हम लोगों को, और सरकार ने अभी तक हमारी कोई मदद नहीं की। और हमने कम से कम 10 से 15 ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन आज तक मामा ने हमारी कोई सूझ नहीं ली है और न कोई आश्वासन दिया है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए आज हम लोग सब रोड पे आ गए हैं। आपकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी है? प्रमुख मांगे है कि हमको 6 महीने का वेतन दिया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने जो 2014-15 में हमको भोपाल बुलाकर जन कल्याणकारी योजनाएं जो घोषणा की थी वो घोषणाएं उसका हमको लाभ चाहिए। और तीसरी है हमारी मांग के बस के अंदर एक कैमरा आगे और एक कैमरा पीछे लगाया जाए, बाइक से दुर्घटना होती तो हमारा जो ड्राइवर है उसमें हमारा ड्राइवर दोषी माना जाता है, जबकि गलती उस बाइक वाले की होती है, इसके लिए कैमरा लगाया जाए एक आगे और एक पीछे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.